ये भविष्य है 2050 में ऐसा दिखेगा अपना हिंदुस्तान। और ऐसा भी दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। हमारे देश की तरक्की को देखते हुए कई एक्सपर्ट का कहना है कि 2050 तक हमारा भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी पीछे कर देगा। तो आइए जानते हैं कि आज से लगभग 28 साल बाद यानी कि 2050 में कैसा होगा भारत की तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है रियल हिंदी नॉलेज चैनल में। तो दोस्तों, 2050 तक हमारा देश जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर नंबर वन पर पहुंच जाएगा। 2050 में देश की जनसंख्या 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि एक चिंता का विषय बनी रहेगी। वहीं टेक्नोलॉजी विकास के कारण 2050 तक देश में कई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत से कामों के लिए रोबोट का इस्तेमाल होने लगेगा। 2050 तक लगभग 50% भारत की जनसंख्या शहरों में बस रही होगी। पूरी दुनिया में 2050 में हमारा देश मेडिकल सेक्टर में बेस्ट हो जाएगा, जिस कारण कई लाइलाज बीमारियों से मरने वालों की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। भारत के कई सारे शहर स्मार्ट सिटी में बदल चुके होंगे, जो आधुनिक सुविधाएं और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। 2050 तक हमारे मोबाइल और दूसरे गैजेट्स हमें वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कराएंगे। हम अपने घरों में भी आज के मुकाबले कई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उपयोग कर रहे होंगे। 2050 होलोग्राफी काल जैसी टेक्नोलॉजी आम हो चुकी होगी। हमारे स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। बच्चों की पीठ पर भारी भारी बस्ते देखने को नहीं मिलेंगे। ब्लैक बोर्ड भी डिजिटल हो जाएंगे। भारत में यातायात में भी काफ़ी सारी बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2050 आने से पहले भारत की सड़कों पर काफ़ी मात्रा में बिजली से चलने वाले वाहन दौड़ रहे होंगे। कारों को ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी और आप टीवी स्क्रीन पर आराम से एक फिल्म देख रहे होंगे और आपकी कार आपको मंजिल की तरफ खुद ब खुद ले जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कारों से दुर्घटना बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी कार और रोड सेंसर पर निर्भर होकर फुली कंप्यूटराइज हो जाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण एक जगह से दूसरी जगह सफर करना और आसान और तेज हो जाएगा। भारत की राजनीति और राजनीतियाँ में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा देश अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुँच जाएगा। 2050 तक हमारा देश रक्षा क्षेत्र में भी महाशक्ति बन जाएगा। युद्ध सामग्री हथियार हम खुद बनाने लगेंगे और रक्षा टेक्निकों को दुनिया भर निर्यात भी करेंगे। 2050 तक भारत एक महान शक्ति देश तो जरूर बन जाएगा, लेकिन इस बढ़ती जनसंख्या के ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये समाप्त होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। पानी की वही बोतल जो आज हमें 20 रुपये में खरीदनी पड़ती है, 2050 में 200 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और हमारे देश में कई इलाके रेगिस्तान में बदलने लगेंगे। प्रदूषण शहर से गांव तक पहुंच जाएगा। बाकी देशों की तरह हमारा देश भी अंतरिक्ष में अपनी इकोलॉजी बना चुका होगा और इस पृथ्वी के बाहर मनुष्य जाति को दूसरी जगह बसाने के एक अहम भूमिका निभाएगा, जिस पे हम बात करेंगे एक अन्य वीडियो में। दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? क्या 2050 तक हमारा भारत ऐसा हो जाएगा? दोस्तों, आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोग को आसानी से मिल सकें। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल में। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।